इट्स वेरी एनर्जेटिक. हम कुछ ना कुछ तो ये कर लेते हैं या फिर हमसे आज उन्होंने करवाया है तो फुल डांस के मूड में है. यहाँ के लोग हम भी डांस के मूड में आए तो मजा आने वाला है. मिलने तो बहुत अच्छा है क्योंकि जब से स्टूडेंट ऑफ रिलीज हुई थी तब से मेरा नाता है रेडियो मिर्ची के साथ. मैं हर फिल्म के लिए आता हूँ. मतलब जब आया था तो कवाली की थी एंड ऑब्वियसली वो पिक्चर थोड़ी सीरियस थी तो मैं बहुत सीरियस था. तो अभी फुल फन मूड में पूरा धमाल कर रहे हैं मैं. एंड आई थिंक वी आर गोना बी ऑन द सुरेन एंड मीरा शो टुडे लाइव एंड सबसे बात करने वाले. और आई थिंक रेडियो मिर्ची जेन्युइनली जो अच्छे गाने हैं वही पुश करता है. जो गानों में मेलेडी है वेरी फ्यू ऑफ द रेडियो चैनल्स डू दैट टुडे. की जो जैसे आई थिंक जब बदलापुर का म्यूजिक भी रिलीज हुआ था इट फर्स्ट ग्रू ऑन रेडियो मिर्ची फिर दूसरे जगह पे सिमिलरली विद विलेन एंड नाशिकी एज़ वेल. तो वी आर होपिंग एबीसीडी 2 में भी हमारे पास बहुत ही मेलोडियस अच्छे गाने हैं. जैसे सुख साथी है, देन देयर इज अरिजीत का एक गाना है जो अभी आने वाला है, देन देयर इज बेसुबा फिर से विच इज ऑलरेडी डूइंग वेल. तो मेरे हिसाब से एबीसीडी 2 में बहुत सारे गाने हैं. होपफुली जो सुरेन और मीरा का जो टॉप 20 शोज में सब 10 गाने तो एबीसीडी. हम होप करें कि हमारा एल्बम रेडियो मिर्ची को टेक ओवर करे. होपफुली सुरेश और मीरा से मेरा सवाल है कि ABCD 2 में तो आपने डांस बहुत अच्छा किया है बट उससे पहले ABCD 2 से मतलब डांसिंग आपकी कैसी रही है? स्कूल कॉलेज के टाइम पे आप कितने डांस में एक्टिव थे और क्या क्या किया था आपने? कुछ याद है? आई थिंक जितना मैं रहा हूँ उतना ये भी रहे स्कूल कॉलेज. सब लोग क्या हमारे काफी कॉमन फ्रेंड्स है और हम लोग जब बाहर जाते थे तो साथ में जाते थे. और श्रद्धा जो है बहुत ही इंथ्यू डांसर है. मतलब वो लोगों इतने जिन लोगों को जानती नहीं उनके सामने डांस नहीं करेगी पर उनके जो कोर ग्रुप है अच्छे दोस्त हैं उनके सामने पूरा खुल जाती है. एंड देन सो आई थिंक आई वाज द लकी फ्यू टू नो दैट ये लड़की बहुत अच्छा डांस कर सकती है. अभी पूरी दुनिया जानती है. इतना एक्सपेक्टेशन बढ़ा दिया है मेरा. मैं कुछ नहीं बोलने वाली. आप लोग बस देखिए सिर्फ साथी और फिल्म को देखिए. हम बस यही उम्मीद करें कि रेमो सर हम दोनों से प्राउड रहे. आई थिंक कि अगर वो प्राउड है तो हम खुश रहेंगे बिकॉज हम डांस डांसर्स प्ले कर रहे हैं तो हम प्रोफेशनल डांसर्स प्ले कर रहे हैं. तो अगर हम उनके कैरेक्टर में कन्विंसिंग आए तो आई थिंक कि वो अच्छा लगेगा. आई थिंक ये अभी अभी जो हुआ था तम्मा तम्मा लोगे. आई थिंक ये खालिदान से संजू सर और माधुरी दीक्षित मैम पे जो था. आई थिंक आई लव दैट सॉन्ग और जब भी सुनता हूँ. वरुण तो गोविंदा के फैन रहे. मैं भी मतलब उनके जो गाने होते थे 90s में साइकिल से जा रहा था का इशारा और वो सारे जो है आई थिंक बहुत एडिक्टिव है. एक्चुअली हमारे लिए नहीं आप सबके लिए भी अगर कोई बजा देगा तो सबका मन होगा कि डांस कर लो उस पर. ओके श्रद्धा हमने कहीं पे सुना है मतलब कि आपने ये मूवी इसलिए की क्योंकि आप अपने आप को और सबको प्रूव करना चाहते हैं कि यू कैन डांस वेरी वेल. कितना सच है इसमें? आई फील लाइक जो रिस्पॉन्सेज मुझे मिल रहे हैं ट्विटर पे सुन साथिया के बाद वो बहुत अच्छे बहुत काइंड वर्ड्स जो है लोग मेरे लिए कह रहे हैं. मैंने ये फिल्म की क्योंकि मुझे डांस से प्यार है. मुझे पता नहीं कि मैं अच्छा डांस करती हूँ या बुरा डांस करती हूँ ये लोग जज करेंगे पर ये ऑब्वियसली उम्मीद तो यही रहती है कि लोग अच्छा ही बोले. ऐसा कुछ नहीं है पर आई थिंक इन अ वे रैप इन अ वे इज एक्सप्रेशन ओनली है. और जो सचिन जिगर है उनके साथ भी मैंने हम्पी शर्मा में किया था थोड़ा बहुत. तो ये डी सोल्जर्स करके दी सिंगर्स फ्रॉम दिल्ली से तो लोग ने लिखा है रैप बर्थडे पे बहुत खूबसूरती से लिखा है तो वो किया है मैंने. एंड दैट सॉन्ग विल बी आउट आई थिंक 25th अभी 5-6 दिन में बाहर आ जाएगा. बहुत मुझे लग रहा है कि ये जो वरुण रैप करते हैं उनको बहुत बहुत सूट होता है इस फिल्म में भी. जिस तरीके से उनका स्टाइल होता है वो ह्यूमरस वे जो होता है आप सुनेंगे इस फिल्म में कैसे रैप किया. देखो मैं पंजाबी हूँ तो मेरा क्या था कि मतलब ये जो पिक्चर है उसमें हर कल्चर के लिए कुछ ना कुछ है. गुजरातियों के लिए था, महाराष्ट्रंस के लिए था और द कल्चर हम लोग ने कवर किया था. तो मैं मुझे हमेशा से लग रहा था कि अरे पंजाबियों के लिए है थोड़ा बहुत तो था. वैसे वो नहीं है मेरे को पता है कि क्योंकि मैंने हमटी की थी तो मेरे को पता था कि उन लोगों को उधर नॉर्थ में क्या चाहिए था. तो मैंने ये आई थिंक आपको सुनाना चाहिए. हो जाए कम ऑन.